नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलते हैं डिटेल समरी पर्सनल फाइनेंस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग की बुक्स की। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समराइज करूंगा माय फेवरेट बुक डायमंड्स इन द डस्ट बाय सौरभ मुखर्जी। ये बुक सीरीज 3 पार्ट की होगी और ये पहला पार्ट है। बहुत कुछ है आपके लिए सीखने को, तो मेक श्योर करिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। इंट्रोडक्शन। टेस्ट क्रिकेट एंड इन्वेस्टिंग अ क्लासिक एनालॉजी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 2003-2004 के टेस्ट सीरीज इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहा है, क्योंकि 1981 के बाद इंडिया एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था ऑस्ट्रेलिया में, और ये सीरीज स्टीव वॉक की आखिरी टेस्ट सीरीज थी। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम अपना बेस्ट देने की कोशिश करती अपने लेजेंडरी कैप्टन को बेहतर फेयरवेल देने के लिए, लेकिन इंडिया इस टेस्ट सीरीज को जीत जाता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है राहुल द्रविड का। और उनका 2003 एडिलेड का डबल सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट था हम सभी इंडियंस के लिए। तो सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग जो है वो टेस्ट क्रिकेट की तरह है, ना कि T20। जैसे T20 में एक टीम का गोल रहता है मैक्सिमम रन्स बनाए 20 ओवर्स में, जहां पे बैट्समैन कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री स्कोर करने के लिए, लेकिन टेस्ट मैच में आप हर बॉल को हिट नहीं करना चाहते हैं। आप पेशेंस के साथ पिच पर टिकने की कोशिश करते हैं और लूज बॉल्स का वेट करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको मेंटली बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा, जिसका प्राइम एग्जांपल है राहुल द्रविड। राहुल द्रविड टेस्ट क्रिकेट के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर हैं। उनके स्टैट्स बहुत ही कमाल के हैं। उनका टेस्ट एवरेज है 52.31 का, और सबसे ज्यादा रन्स में राहुल द्रविड चौथे प्लेस पे आते हैं, जिन्होंने 164 मैचेस में 13,288 रन्स बनाए हैं, जिनमें 5 डबल सेंचुरीज, 36 सेंचुरीज एंड 63 हाफ सेंचुरीज हैं, और उन्होंने टोटल 11 मैन ऑफ द सीरीज जीती है, जिनमें से 8 ये इंडिया के बाहर जीता है। सौरभ मुखर्जी हमें राहुल द्रविड बनने के लिए कहते हैं, जो इन्वेस्टिंग में लंबे समय तक पेशेंस के साथ कंपनी में इन्वेस्टेड रहे। वो कहते हैं कि द की टू सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग देयरफॉर इज टू फर्स्ट लीव द रिस्की स्टॉक्स अलोन, देन आइडेंटिफाई द वंस दैट कैन ग्रो अर्निंग्स एंड कैश फ्लो स्टीडिली, एंड वंस यू फाइंड सच स्टॉक्स टू बेट बिग ऑन देम। यानी टेस्ट क्रिकेट की तरह आपको सबसे पहले रिस्की डिलीवरीज को लीव करना है, एग्जैक्टली आपको रिस्की स्टॉक्स को भी लीव करना है, और जो कंपनी अपनी अर्निंग ग्रो कर रही है और जिनका कैश फ्लो भी अच्छा रहा है, सालों से वो स्टेडिली ग्रो करती आ रही है, उन पर आपको इन्वेस्ट करना है। इन शॉर्ट, इन्वेस्टिंग टेस्ट क्रिकेट है और हमें राहुल द्रविड बनना है। ये था इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ डायमंड्स इन द डस्ट बाय सौरभ मुखर्जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समरी को बनाने में मैंने हेल्प ली है कुकू एफएम ऐप से, जहाँ मैंने डायमंड्स इन द डस्ट की बुक समरी सुनी, और इस ऐप के ऑडियो शो में पिछले कई समय से सुन रहा हूँ, और इसमें मौजूद नॉलेजफुल कॉन्टेंट से मैंने अभी तक बहुत कुछ सीखा है। जैसे मेरा एक पर्सनल फेवरेट बुक समरी है द इन्वेस्टमेंट आंसर, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को कब खरीदना चाहिए, उसे कब बेचना चाहिए, और साथ ही साथ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। आप भी अगर ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुकू एफएम ऐप पर इस बुक की समरी आप जरूर सुनिए। वैसे कुकू एफएम ऐप पर 10,000 घंटे से ज्यादा की ऑडियो लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिनका एनुअल मेंबरशिप है ₹399। और मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप में से हर कोई इस नॉलेज से भरी ऑडियो शोज का लाभ उठाएं, इसीलिए स्पेशल ऑफर है आपके लिए वीडियो के एंड में। चैप्टर 1, द 4 मोस्ट डैमेजिंग मिथ्स इन इंडियन इन्वेस्टिंग, केस स्टडीज ऑफ देविका पटेल एंड राजवीर भाटिया। ये दोनों ही एक फिक्शनल केस स्टडीज है, जिससे हम 4 डेंजरस मिथ इंडियन इन्वेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। 2007 में देविका पटेल 41 साल की उम्र में एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी की सीईओ बन जाती है, जो मेडिकल फैब्रिक्स अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में सप्लाई करते थे। उनकी सैलरी 7 फिगर्स में थी और बोनस भी बहुत अच्छा था। 2010 के अराउंड जब मुंबई में रियल स्टेट मार्केट बूम पर था, तब उन्होंने 2 लग्जरी फ्लैट में इन्वेस्ट किया, जैसे मिलियंस ऑफ लोग करते हैं इस उम्मीद में कि उनका रीसेल वैल्यू अच्छा मिलेगा। लेकिन डीमोनेटाइजेशन की वजह से एंड डेवलपर के पास कैपिटल की कमी होने के कारण उनको 7 साल बाद 2 फ्लैट की डिलीवरी मिली, और कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न अपने इस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने लोअर सिंगल डिजिट में मिला। देविका की दादी हमेशा से गोल्ड में इन्वेस्ट करती थी, जिस वजह से इनकी फैमिली में कल्चर रहा है गोल्ड इन्वेस्टिंग का। तो देविका हाईली इन्वेस्टेड थी गोल्ड बार्स में जब से वो सीईओ बनी थी, और गोल्ड का भी पोस्ट टैक्स रिटर्न थोड़ा बेहतर रहा है इंडिया के रेट ऑफ इन्फ्लेशन से। जब देविका को लगा कि इनके कम रिटर्न से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक लोकल कोऑपरेटिव बैंक में 1 करोड़ का FD किया, जहां पर 8% का एनुअल रिटर्न मिल रहा था। लेकिन 2000
2019 में बैंक के चेयरमैन और लोकल पॉलिटिशियंस ने हजारों लोगों का डिपॉजिट लेके भाग चुके थे। ऑन एन एवरेज देविका के सारे इन्वेस्टमेंट्स यानी रियल स्टेट, गोल्ड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट का एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स रहा है जीरो। उनका नेटवर्थ करेंटली है 9 करोड़ का, जिसमें 6 करोड़ का 2 फ्लैट, 2 करोड़ का फिजिकल गोल्ड एंड 1 करोड़ का FD है। उनको पोस्ट रिटायरमेंट एंड अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हर 10 साल में 20 करोड़ रुपए चाहिए, यानी उनका करंट एसेट को एटलीस्ट 9% का एनुअल रिटर्न अचीव करना पड़ेगा। तो कैसे देविका अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकती है वो सीखेंगे, लेकिन अभी हम राजवीर भाटिया का जर्नी को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राजवीर IIM टॉपर थे और बचपन से ही बहुत स्मार्ट थे नंबर्स में। उनकी नौकरी मैकिंटायर कैपिटल में लग गई थी, जिनमें उनका पैकेज 7 फिगर में था और वो सिर्फ 23 साल के थे। 30 की एज में वो उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। उनका बस 2 मेजर गोल था, नंबर 1 गोवा में अपना खुद का एक विला बनाना, दूसरा अपने पेरेंट्स के लिए रिटायरमेंट फंड्स प्लान करना जिसमें इतने पैसे होने चाहिए जिससे कि उनके पेरेंट्स को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। राजवीर ने अपना बहुत बड़ा कैपिटल स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। 2014 से 2017 तक उनका पोर्टफोलियो डबल हो चुका था, लेकिन 2018 में उनका पोर्टफोलियो 1/3 हो गया और जैसे ही कोविड इंडिया में हिट किया 2020 में, तब उनका पोर्टफोलियो बहुत डाउन हो गया जितना 2014 में था। यानी इन 5-6 साल में उनका टोटल रिटर्न था जीरो। राजवीर बहुत इंटेलिजेंट थे तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन भी किया था, यानी अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के साथ साथ किसी वेल्थ मैनेजर ने उनको सजेस्ट किया था क्रेडिट रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसे मैनेज कर रहे थे एक मल्टीनेशनल म्यूचुअल फंड हाउस। और ये फंड्स 10-12% एनुअलाइज रिटर्न्स दे रहे थे कई सालों से, तो राजवीर ने अपने पेरेंट्स के पैसे भी इनमें इन्वेस्ट कर दिया था। और 2020 में न्यूज आई कि वो मल्टीनेशनल फंड हाउस ने अपने सारे पैसे फ्रीज कर लिया है। तो अब प्रॉब्लम ये थी राजवीर के लिए कि उन्होंने अपने पैसे भी गवा दिए स्टॉक मार्केट में और अपने पेरेंट्स के रिटायरमेंट फंड्स को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। उनका करंट नेटवर्थ था 5 करोड़ रुपए का, जिसमें 3 करोड़ उनके स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड थे और 2 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था उनके पेरेंट्स के नाम पर। तो कैसे राजवीर अपने लिए हॉलीडे होम बना पाएगा गोवा में और अपने पेरेंट्स के रिटायरमेंट के लिए इनफ कैपिटल जोड़ पाएगा, ये हम जानेंगे इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक बटन को हिट करिए, जिससे हमें बहुत खुशी मिलेगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा और बुक समरीज आपके लिए अपलोड करने के लिए। इस बुक में एक RBI का रिपोर्ट शेयर किया गया है, जिसे सौरभ डिफाइन करते हैं एज अ वार्निंग बेल, यानी खतरे की घंटी। मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउसहोल्ड 84% पैसे रियल स्टेट एंड फिजिकल गुड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, 11% गोल्ड में और 5% फाइनेंशियल एसेट में। ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि 95% पैसे इंडिया की ऐसी जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं जिनका रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा कम है और आने वाले 10 से 20 सालों में लाखों लोग रिटायरमेंट लेने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है यानी गोल्ड, रियल स्टेट एंड लो क्वालिटी डेट म्यूचुअल फंड्स एंड इवन लो क्वालिटी स्टॉक्स में, वो सारे लोग स्ट्रगल करने वाले हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में, जो हर एक इंडियन के लिए बहुत जरूरी है। 4 myths अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। मिथ नंबर 1, गोल्ड विल हेल्प मी प्रोटेक्ट माय वेल्थ। जैसे आपने बचपन में सुना होगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, मुश्किल वक्त में काम आएगा, लेकिन डेटा शायद आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है। RBI के रिपोर्ट के अनुसार 11% लोगों के पैसे गोल्ड में इन्वेस्टेड है, जो बहुत बड़ा नंबर है बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप इस डेटा में देख सकते हैं कि BSE सेंसेक्स ने गोल्ड को बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है। यानी अगर क्यूमुलेटिव डेटा को देखें, 1990 से 2020 के बीच गोल्ड ने 9.3% का रिटर्न दिया है, वही BSE सेंसेक्स ने 14.8% का रिटर्न दिया है। अगर लास्ट 20 इयर्स के देखें तो गोल्ड ने 12.7% का रिटर्न दिया है, यही BSE सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न दिया है। और लास्ट 10 इयर्स में यानी 2010 से 2020 तक गोल्ड ने 9.2% का रिटर्न दिया है और BSE सेंसेक्स ने 10.4% का रिटर्न दिया है। इस मिथ के अनुसार गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपका वेल्थ नहीं बढ़ेगा। मिथ नंबर 2, रियल स्टेट विल हेल्प मी ग्रो माई वेल्थ। यानी रियल स्टेट हमारे वेल्थ को ग्रो करेगा। लास्ट 5 इयर्स में अगर हम रियल स्टेट के रिटर्न को कैलकुलेट करें, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, तो अप्रोक्सीमेटली 3-4% ही मिला है। कुछ लोगों को ये लगता है कि क्योंकि अभी कुछ सालों से अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू सच नहीं हो सकता है क्योंकि
फर्स्ट प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी की। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इंडियन रेसिडेंशियल हाउस प्राइसेस, जिसे जीडीपी के प्रोपोर्शन से एक्सप्रेस किया गया है, तो इंडियन रेसिडेंशियल प्राइसेस 6-10 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है अन्य एशियन इकोनॉमीज से। इंडियन रेसिडेंशियल हाउसेस प्राइस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे सिंगापुर, जापान, ताइवान एंड इवन हांगकांग से ज्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया में घर लेना। दूसरा प्रॉब्लम है, इंडियन रेसिडेंशियल रेंटल यील्ड अराउंड 2-3% है मोस्टली सारे इंडियन सिटीज में, लेकिन वही होम लोन का कॉस्ट अराउंड 7% तक है। कुछ और प्रॉब्लम है रियल स्टेट इन्वेस्टिंग में, जैसे हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट यानी बुकिंग अमाउंट, स्टैम्प ड्यूटी, इलिक्विडिटी यानी आप रियल स्टेट को जल्दी बेच नहीं पाएंगे, तो इमरजेंसी के दौरान आप मुसीबत में पड़ सकते हैं जब आपको इंस्टेंट कैश चाहिए होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की, जिससे आपको प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू पता करना बहुत मुश्किल है। तो अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए भी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन नहीं है। मिथ नंबर 3 है, डेट म्यूचुअल फंड्स ऑफर डिसेंट रिटर्न्स विद लो वोलेटिलिटी। यानी डेट म्यूचुअल फंड्स अच्छे रिटर्न्स देती है और इनमें वोलेटिलिटी भी कम है। डेट म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम होता है जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। मोनिका हेलेन, जो इंडिया की बहुत फेमस पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट है और इनकी एक बेस्ट सेलिंग बुक भी है लेट्स टॉक अबाउट मनी, वो कहती है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 3 सबसे मेजर प्रॉब्लम है। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट रिस्क। सिंपल शब्दों में इंटरेस्ट रेट का चेंज होना, ये रिस्क फंड मैनेजर के गलत इंटरेस्ट रेट कॉल से हो सकता है। दूसरा, क्रेडिट रिस्क, यानी जिनको पैसे दिए हैं म्यूचुअल फंड कंपनी ने, वो कंपनी का पैसे ना दे पाना, जिसे डिफॉल्ट बाय बोरोअर कहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स का मेन काम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जिन डेट पेपर्स को हाई रेट किया है, यानी वो कंपनी या इंडिविजुअल जिनकी कैपेसिटी है पैसे वापस करने की, उनमें इन्वेस्ट करना। लेकिन कई बार डेट म्यूचुअल कंपनी लोअर रेटेड पेपर पर इन्वेस्ट करती है और जब वहाँ डूबते हैं पैसे, तब डेट म्यूचुअल फंड कंपनी का क्रेडिट खराब होता है, जिससे फंड वैल्यू पर इफेक्ट आता है। तीसरा है लैक ऑफ लिक्विडिटी का, यानी जब आपको बेचना होगा तब डेट म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे वापस कर सके। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि नॉन गवर्नमेंट इंडियन बॉन्ड्स मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है। तो इन शॉर्ट, अगर डेट म्यूचुअल फंड कंपनी ऑनेस्टी के साथ फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट पर इन्वेस्ट करेगी तो इनके रिटर्न्स भी कम होंगे, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं होता है। तो कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स कंपनी के फंड मैनेजर लो क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न्स भी अच्छे हो सकते हैं, जिस वजह से कुछ सालों तक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं कंपनी को एंड इन्वेस्टर को। लेकिन अगर कभी प्रॉब्लम होती है तो इन्वेस्टर के फंड वैल्यू पर डायरेक्ट इफेक्ट आता है, तो डेट म्यूचुअल फंड्स भी सही ऑप्शन नहीं है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। मिथ नंबर 4 है, जीडीपी ग्रोथ ड्राइव्स द स्टॉक मार्केट, सो इफ आई कैन और माय वेल्थ मैनेजर कैन टाइम द इकोनॉमिक साइकिल आई कैन टाइम द स्टॉक मार्केट। इसका मतलब है जीडीपी ग्रोथ स्टॉक मार्केट के ऊपर इफेक्ट करता है, और अगर मैं या मेरा फंड मैनेजर इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल को पता लगा ले तो उस टाइम में इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं, यानी टाइम कर सकते हैं। जनरली पूरे दुनिया में कोई भी कोरिलेशन नहीं है स्टॉक मार्केट एंड जीडीपी ग्रोथ पे, तो स्टॉक मार्केट को टाइम करना लिटरली इम्पॉसिबल है। अश्वथ दामोदरन कहते हैं, स्टॉक मार्केट आर प्रिडिक्टर ऑफ जीडीपी ग्रोथ रादर देन बीइंग रिफ्लेक्टर ऑफ जीडीपी ग्रोथ। स्टॉक मार्केट हमें अनुमान लगाने में हेल्प करता है कि देश का जीडीपी ग्रोथ कैसा हो सकता है। तो ये थे 4 कॉमन मिथ्स, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है दोनों देविका, राजवीर एंड इवन हम सब के लिए, वो है इक्विटीज आर बेटर वे टू बिल्ड वेल्थ। यानी इक्विटी में जब आप पैसे लगाते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पैसों को ग्रो करने के लिए। लास्ट 20 ईयर्स में इक्विटीज ने 13% का कंपाउंडेड रिटर्न्स दिया है। यहाँ पे निफ्टी 50 के रिटर्न्स के बारे में बात हो रही है। अगर आपको एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करना है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसके लिए सौरभ मुखर्जी की कंपनी मार्शलियस इन्वेस्टिंग फिलॉसफी शेयर करते हैं, जिसे वो कहते हैं द कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में 3 एलिमेंट पर फोकस किया जाता है, नंबर 1 क्रेडिबल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, नंबर 3 कैपिटल एलोकेशन। यानी पहला सेक्शन है क्रेडिबल अकाउंटिंग, जिसका मतलब है क्लीन अकाउंट्स, जिसमें कंपनी का अकाउंट्स बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी वो कंपनीज एसेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचती हो और हाई बैरियर होनी चाहिए एंट्री की, जिससे नए लोग मार्केट में एंट्री ना कर पाए। तीसरा है
कैपिटल एलोकेशन का, यानी यहाँ कंपनीज अपने पैसों का बेस्ट यूज करती हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को और बेहतर करने के लिए। इस फ्रेमवर्क के ऊपर ही बुक लिखी गई है और आने वाले दो पार्ट में हम बहुत अच्छे से सीखेंगे कि कैसे अपने पैसों को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करके। तो इस वीडियो के समरी कुछ इस प्रकार है। तो आज हमने पार्ट वन ऑफ द वीडियो सीरीज डायमंड्स इन द डस्ट बाय सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन एंड सलिल देसाई के बुक को समराइज किया है, जिसमें सबसे पहले हमने टेस्ट क्रिकेट एंड इन्वेस्टिंग के कोरिलेशन को समझा और हमें राहुल द्रविड़ बनना है इन्वेस्टिंग का और उन कंपनीज के साथ इन्वेस्टेड रहना है जो कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो हो रही है, जिनका अकाउंट्स बहुत क्लीन है, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है और बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है नए कंपनीज के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कंपनी अपने फंड एलोकेशन को सही तरीके से यूज करती हो अपने ग्रोथ के लिए और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को और बेहतर करने के लिए। इस समरी में हमने दो फिक्शनल कैरेक्टर देविका पटेल एंड राजवीर भाटिया के केस स्टडी से ये सीखा कि इंडिया का रियल स्टेट पूरे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव है, जिनका एनुअलाइज रिटर्न्स बहुत कम है, गोल्ड एंड डेट म्यूचुअल फंड्स का भी बहुत प्रॉब्लम है, तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए वो है इक्विटी में इन्वेस्ट करना और स्पेशली अच्छे कंपनीज के साथ इन्वेस्टेड रहना। तो ये था डिटेल समरी ऑफ पार्ट वन ऑफ द वीडियो सीरीज डायमंड्स इन द डस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के नोट्स आपको बुक पिलो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। कुकू FM के ऑफर के बारे में बात करें तो वैसे इनका एनुअल मेंबरशिप कॉस्ट है 399 रुपीज, लेकिन पहले 250 यूजर्स के लिए आप इस मेंबरशिप में 50% ऑफ क्लेम कर सकते हैं, यानी 199 रुपीज में पूरे साल की मेंबरशिप। आपको कूपन कोड यूज करना है BP50। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर डाउनलोड करिए कुकू FM ऐप और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाइए इनके ऑडियो कंटेंट से। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका मोस्टली प्राइस होता है 200 से 500 रुपए। आपको बस अपना फोन नंबर देना है और अपने डिटेल्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करना है, जिसके बाद आप किसी भी कंपनी की शेयर्स खरीद पाएंगे। और पर्सनली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डीमैट अकाउंट तो ओपन जरूर कर ही ले। अगर ऑलरेडी आपके पास डीमैट अकाउंट है तो एक और डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, क्या पता आपको उस स्पेसिफिक डिस्काउंट ब्रोकर का इंटरफेस पसंद आ जाए और आपको इजी टू यूज हो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।